आप देख रहे हैं आईएसएन 7 क्योंकि खबर ही मिशन। अब जो आपने इस साल की योजना है, आपने क्या क्या सोचा है गांव में कराने के लिए? मैं एक बात बताऊं जी, अपने गांव को जैसा मांगेराम यादव ने चेयरमैन ने कर रखा है, बिल्कुल चमका रखा है और दोबारा ही वो चेयरमैन बने हैं, जनता ने उन्हें दोबारा चुना है, बिल्कुल जाहिर सी बात है जी। बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा जी, जी। एक छोटी सी बात जी, अपने गांव को चमकाऊंगा, बहुत बढ़िया, चाहे मेरा घर चमके ना चमके, बहुत बढ़िया प्रधान जी, बहुत बढ़िया, अपने गांव को चमकाऊंगा और हमेशा गांव के प्रति दिल से काम करूंगा, सेवा नहीं जी, काम करूंगा, काम करूंगा। तो आपने यहाँ पर देखा प्रधान जी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने घर को चमकाऊं या ना चमकाऊं, मेरा घर जैसा पहला था ऐसे ही आज है, मैंने अपने घर में कोई भी नया सामान, कोई भी नई ईंट नहीं लगवाई, और मैंने गांव में आप दे जाकर देख सकते हैं शौचालय बनवाए हैं, सीसी रोड लगवाई है, इंटरलॉकिंग करवाई है, इसके अलावा बहुत सारे विकास कार्य उन्होंने गाँव में किए हैं, और अब जो नया साल 14 साल उनका शुरू हुआ है उसमें भी विकास करने की पूरे आगे बढ़ रहे हैं जी। बोलिए प्रधान जी, एक बात हो रही है मन में जी, बोलिए सर। देखो मन की बात हमेशा बोलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे गांव के जो आर्थिक बेचारे तंग है, मैं डोला से गांव प्रधान पिंकी देवी जी, अपने सभी गांव वासियों को नई साल की शुभकामनाएं 2019 की देती हूँ, और आशा करती हूँ आप सबके लिए 2019 खुशी से बीते। ग्राम प्रधान पिंकी देवी ने कहा है आपके लिए 2019 की शुभकामनाएं सभी के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आज सबसे, आप सब बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं, कुछ बच्चे हैं, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं 2019 की। उसके बाद जो भी गांव समाज में काम होगा पिंकी देवी करेंगी या मैं करूंगा या आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहता हूँ, पिंकी देवी चुनाव की तैयारी कर रही हैं दोबारा, बहुत बढ़िया, चुनाव लड़ेंगी और हमेशा आपके साथ रहेंगी। कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा ना तो बिना पेंशन के रहेगा इस गांव में, ना बिना योजनाओं के और ना बिना आपके। मैं बताना चाह रहा हूँ थोड़ी सी एक बात, आपकी काट के बात करता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ पिंकी देवी वाइफ ऑफ विवेक राणा, आप जानते हैं मेरा नाम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, झूठे वादे सब करते हैं, सब नेता करते हैं, पर लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बालक हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ जैसे मेरे बच्चे पढ़े, मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के बाद आपके लिए स्कूल खोल रहा हूँ, नया जनरेशन का, नया फाउंडेशन का, हर चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल का मैं स्थापना करना चाह रहा हूँ, चाहे मेरी जमीन जाए। मैं एक छोटा सा सवाल था जी, जो बीच में कट गया था हमारे जी, जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी नाथ जी, आपने योगी नाथ जी ने एक कहा कि जो मुसलमान भाई हैं वो गाय ना जी, सच्चाई है जी, बिल्कुल हिंदू को बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल, पर लेकिन मैं योगी नाथ से एक बात कहना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से जी, कि जो लोग बाग हिंदू लोग, मैं हिंदू हूँ खुद जी, राजपूत हूँ जी, गहलोत हूँ जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो वो गायें छोड़ी जा रही हैं हमारे घर से निकल गई वो गाय, निकलने के बाद
दूसरे घर में गई, चारणी ने की थी, तो उन्हें पीटते हैं लोग। क्यों क्यों पीटते हैं? क्योंकि वो चारा खाती हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इस बात के बारे में कि योगीनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपने पद का पता है। जो ग्राम प्रधान हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे यूपी में, उनके लिए एक सूचना करें कि हर प्रधान जो पट्टे की जमीन हो उसमें गौशाला, गौशाला खोलने के बाद उसमें चार आदमियों को काम मिलेगा, चारा आएगा। और दूसरी बात एक और मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ इस बात के बारे में, शायद आपको बुरा लगे लेकिन मैं बुरे से कभी डरता नहीं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं और आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, बस उनके आचार पे और विचार पे ही मैं चल रहा हूँ। मैं उनसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, योगीनाथ जी मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, हर प्रधान को आप बड़े हैं, क्योंकि हमारा वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हम कि हम जहाँ तक पहुँच जाए। गौशाला के लिए हर गांव में आप एक जमीन और करने के बाद, उसके बाद आप ये कहें कि चारा, और दूसरी बात एक और, जो ये गाय छोड़ते हैं उनके लिए विशेष उनके लिए विशेष ये बात है, अरे भाई उन्होंने दूध पियाया, दूध पियाने के बाद आप उन्हें छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल। और उसके बाद मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपके बेटे ने आपको बढ़ाया, माँ बाप को हमेशा बुढ़ापे में बेटे का सहारा है, अगर जो बेटा छूट जाए तो आप क्या करेंगे? दूसरी बात ये है, गाय हमारी माता है, सब लोग कहते हैं हिंदू धर्म में, कोई भी जाति हो कोई भी प्रजाति हो, हिंदू धर्म का हर लोग ये कहता है कि गाय हमारी माता है। मैं गाय के लिए बस विश्वसनीय है, अगर जो मेरा मन, मैं अपने मन की बात करता हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गाय को ऐसे खुला छोड़ दें? गाय को खुला छोड़ेंगे कोई इसे पीटेगा, कोई कुछ करेगा? अब हमारे मुख्यमंत्री साहब ने एक बात कही है कि भाई कसाई को गाय मत दो, उससे ज्यादा हत्या तो आपने करवा दी। हत्या कैसी? हत्या ये है, उन्हें चारा नहीं मिलता, उन्हें पानी नहीं मिलता जी। और बारी बारी फिरती है। दूसरी बात ये है, घर में आएगी कोई डंडा मारेगा, कोई लठ मारेगा, कोई बल्लम देगा, कोई मारी मारी फिरती है। वे अपना दुकड़ा किसको बताए? ग्राम प्रधान को या मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को? आप बताओ। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि या तो इतनी उथटी दे दी जाए प्रधान को कि ना डीएम से पूछे, ना एसडीएम से पूछे, ना किसी विधायक से पूछे कि गांव में एक गौशाला होनी चाहिए। गांव में गौशाला होगी तो ये गाय मारी मारी नहीं फिरेंगी, इनके लिए चारा होगा चाहे गांव से। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, छूट से 10 रुपए हर घर से अगर जो प्रधान लेगा 10 रुपए तो गांव के लिए चारा आ जाएगा, और आ जाएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ मोदी जी से और मुख्यमंत्री साहब से,